वैसे भाई लोग पोको का नया डिवाइस F6 5G पे आज अपन करने वाले हैं BGMI गेम प्ले टेस्ट। सो ये डिवाइस BGMI पर स्मूथ पर एक्सट्रीम से लेकर अल्ट्रा HDR तक BGMI पे ग्राफिक्स सपोर्ट करता है। फिलहाल इस गेम प्ले को अपन ओनली 60 FPS पर खेलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट 120 FPS आने वाला है डिवाइस पर। तो यहाँ से आगे BGMI का गेम प्ले खेलते अपन। वैसे भाइयों पोको F6 को लेकर मैं सीधे आ गया इस मेन होल ट्रप की बड़ी वाली बिल्डिंग पर और आते के साथ पहला बंदा पकड़ा। ये मेरे जस्ट सामने दूसरा बंदा था। जैसा कि आपने देखा डबल बंदे आए थे यहाँ पर, डबल नॉक फिनिश। यहाँ से नीचे मुझे एक बंदा नजर आया था, ये स्प्रे मारकर भाग गया। सो डिवाइस पर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का 5G चिपसेट मिलता है और इस प्रोसेसर के साथ ये डिवाइस अंतुतु बेंचमार्क में 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के आसपास हो जाता है। वैसे भाइयों डिवाइस का चिपसेट 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के आधार पर बनाया गया है जो कि डिवाइस पर आने वाली 5000mAh की बैटरी को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से मेंटेन करता है। यहाँ से आगे पहुंचा टेलीपोर्ट होकर तो मैं सामने वाले घर पर आया और यहाँ पर आते बराबर मुझको डबल बंदों के फुटस्टेप आए। यहाँ से नीचे ये सामने एक बंदा छुपा हुआ है, ना जाने किस गलत जगह पर छुपा हुआ था। ये खत्म, ये दूसरा बंदा पकड़ा और इस दूसरे बंदे को पकड़ते बराबर हमारे भाई किसी बंदे ने शायद मेरे उल्टे हाथ वाले घर से नॉक किया। ये नीचे आ चुके हैं लेकिन भाइयों ये गलत सीन है, बंदे हम पे रश करने आ गए। So, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मैं डिवाइस पे इस गेम प्ले को खेलते हुए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग के लिए मैंने डिवाइस का ही रिकॉर्डर यूज किया हूँ। ये सामने एक बंदा आया, जस्ट टेलीपोर्ट होके पकड़ा इसको। मम्मी कसम ये तो डीवीएस बास था। बंदे को नॉक करने के बाद पेटी बनाया, कसम खुदा की गजब थी। सामने कहीं से मुझे एक बंदा स्प्रे मार रहा था, हाल फिलहाल समस्या वगैरह है नहीं। तो यहाँ से आगे रिवाइव बाजी किया, सामने एक बंदा पकड़ा इसको। वैसे भाइयों डिवाइस पे 5000mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए डिवाइस अपने साथ तो कम प्राइस के बावजूद डिवाइस ने भाई साहब एक अच्छी चार्जिंग के लिए चार्जर प्रोवाइड किया है। यहाँ से अंदर मेरे ख्याल से एक बंदा भाग गया था, सो अंदर भागा हुआ बंदा पेटी में तब्दील। वैसे भाइयों ये डिवाइस अपने साथ LPDDR5X RAM उस पर स्टोरेज 4.0 के सपोर्ट के साथ आता है। फिलहाल मैं पहुंचा बाजू वाले घर पर, सामने एक बंदा छुपा हुआ था, UMP बाज। सो फाइनली इस बंदे की पेटी बनाते बराबर हमारे भाई को सामने एक और बंदा नजर आया, उन्होंने फेंके थे मुजरा वाला बम, मैंने फेंका चिमनी। ये साला नीचे कूदा, मैं भी कूदा, बंदा पकड़ा, बंदा खत्म, मजा आ गया। सो अकेले अकेले मजा नहीं लेने का, पोको का ये डिवाइस जो कि गेमिंग पर असली मजा दिला रहा है स्पेशल दुख। सामने कहीं पर एक और बंदा छुपा हुआ है, वैसे ये बंदा ये वाले हुड ड्रॉप का एकमात्र लास्ट बंदा है जो कि रश करने आ गया। वैसे इस बंदे पे UMP पड़ी है, फिलहाल तो हमारे भाई के पास भी UMP थी लेकिन इनकी गन सिंगल टैप पर थी। वहां से निकलकर मैं पहुंचा उड़ते हुए जल जहाज पे, सामने मुझे एक बंदा नजर आया, ये सामने छुपा हुआ है, बंदा खत्म। ये सिंगल बंदा था, मेरे ख्याल से ये बंदा रैंक पुश वगैरह कर रहा होगा, हाल फिलहाल समस्या वगैरह है नहीं। तो मैं कालीन बाजी करते हुए शेल्टर के आसपास आया, सामने भाई साहब बंदे हैं कुछ, जिसमें से एक बंदे ने शायद हमको देख लिया। सो डिवाइस का डिस्प्ले 1.5K AMOLED है और इस डिस्प्ले पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो मुझे साउंड आया, ये रहा बंदे का टीममेट, सामने झाड़ के पीछे छुपा हुआ है। वैसे इस बंदे पे UMP है, हाल फिलहाल समस्या वगैरह है नहीं। मैंने फेंका बम, हमारे भाई ने फेंके मुजरा वाला बम, बंदा कर रहा है मुजरा, ये दबोचा बंदा,
बंदा खत्म। इस बंदे की पेटी बनाकर मुझे एकदम से याद आया, ये बंदे किसी के ऊपर स्प्रेबाजी कर रहे थे। ये सामने मुझे एक और बंदा नजर आया, नॉक था मेरे ख्याल से। ये बंदे बोट की पिटाई लगा रहे थे। हाल फिलहाल समस्या वगैरह है नहीं। दूसरा बोट नजर आया, बोट खत्म। सो डिवाइस के डिस्प्ले पर आपको HDR 10 प्लस उसके साथ डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमोस और ये डॉल्बी एटमोस डबल स्टीरियो स्पीकर पर आता है। मैं जा रहा था रिकॉल टावर के आसपास, नीचे मुझे गाड़ी नजर आई। अरे मॉन्स्टर ट्रक के पीछे दूसरा बंदा छुपा हुआ था। सो ये बंदा हमारे भाई की पेटी बनाने का प्रयास कर रहा है। हाल फिलहाल मैंने बनाया टेलीपोर्ट वाला पोर्टल, क्योंकि इसके पीछे भाई साहब गोलियां पड़ती नहीं है। सुकून के साथ हीलअप कर रहा था, सामने से बंदा आया और इस बंदे ने ना हमारे भाई को खत्म कर दिया। यहाँ पर बंदा खत्म। वैसे भाइयों एक और बंदा मैंने पकड़ा था, ना जाने कहाँ पर भाग गया। तो ये डिवाइस वाइल्ड बूस्ट 3.0 के गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है। तो बंदों की पेटियां वगैरह लूटने के बाद मैं वेट कर रहा था, हमारे भाई निपट चुके थे, वो वापस आए और अपनी पेटी वापस लूटने जा रहे थे। ये देखिए डबल बंदे वापस आ गए यहाँ पर और ये दोनों बंदे अच्छे खासे डैमेज हैं। हमारे भाई ने पेटी वगैरह लूट चुके हैं। सो फाइनली यहाँ से आगे जाएंगे बंदों के ऊपर रश करने, और अगर हल्का पुल्का लेट हो जाएंगे ना तो बंदे भाग जाएंगे वहां से। वैसे भाई लोग इस गेमप्ले की मेन स्क्रीन पर FPS मीटर चालू है, जो कि 60 FPS के हिसाब से अच्छे खासे FPS Poco F6 के अंदर दिखा रहा है, जिसका मतलब ये डिवाइस BGMI पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है। गजब सीन। सामने वाले रिज पर जो बंदे थे ना, ये कालीन बाजी करते हुए स्क्वाड हाउस पर आ गए थे, जिसमें से एक बंदा पकड़ा, दूसरा बंदा नीचे आया। वैसे इस बंदे पे भी UMP पड़ी हुई है। इससे नीचे वाले बंदे को हल्का सा डैमेज किया, ताकि ये स्क्वाड हाउस वाला बंदा थोड़ा नीचे आए। भाई साहब इसका टीममेट मरने वाला है। सो ये बंदा मुझको ऐसा लग रहा है यहाँ पर छुपा हुआ था, यहाँ से भागा, यहाँ पे भी बम फेंका, ताकि ये बंदा जल्दी से जल्दी निपट जाए। ये साला फिर बच गया। यहाँ से एक और बार, इस बार बालकनी पर बम फेंका, ये बंदा फिर नहीं फूटा। यहाँ से ऊपर चलो, रश करेंगे अपन। इस बंदे ने हमारे भाई को देखा तक नहीं, मेरे ऊपर साला स्प्रेबाजी कर रहा था। हाल फिलहाल समस्या वगैरह है नहीं। ये सामने मुझे एक और बंदा नजर आया, कालीन के ऊपर बैठा पड़ा था। फिलहाल ये बंदा कालीन के ऊपर बैठकर हवा खा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने और भी बंदे हो सकते हैं। गोली वगैरह उठाकर मैं जाता हूँ आगे। वैसे मेरे पास P90 है, जिस पर मात्र 50 गोली पड़ी है। चलो देखी जाए, यहाँ से आगे जाता हूँ, क्योंकि सामने वाले रिज पर मुझे स्प्रेबाजी का साउंड आ रहा है ज्यादा। टेलीपोर्ट, ये रहे सामने बंदे। डबल बंदे खत्म। सो P90 पे गोली खत्म। मैं वापस जाता हूँ स्क्वाड हाउस। वैसे भाई लोग डिवाइस पर आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसकी रचना डिस्प्ले पे दिख जाएगी आपको। तो बंदे की पेटी पे गन थी, गन उठाया, ये गिनी सूट वाला बंदा आ रहा था। बंदा खत्म। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था बंदे खत्म, लेकिन भाई साहब रिकॉल टावर से गाड़ी आई। इस गाड़ी का पहला बंदा हमारे भाई ने पकड़े, दूसरा बंदा नीचे भागा। वैसे भाइयों UAV पर पूरा एक स्क्वाड आया हुआ है। सो जो बंदा नॉक है ना, उसको कोई ना कोई बंदा रिवाइव दे रहा होगा। यहाँ पर बमबाजी करता हूँ, बम फेंका, एक बंदा ब्लास्ट, दूसरा बंदा खत्म। तो ये वाली स्क्वाड के दो बंदे और बचे हुए हैं, यहाँ से आगे जाता हूँ। और यहाँ पर गजब सीन, मैं बम से ब्लास्ट, बंदा डैमेज हुआ बस, बंदे खत्म। सो फाइनली ये वाला स्क्वाड खत्म। तो यहाँ से आगे कालीन बाजी करते हुए हम लोग पहुंच रहे थे जोन के अंदर, लेकिन भाई साहब नीचे गाड़ी और ये बंदे हमारे ऊपर स्प्रे बाजी कर रहे हैं। मैं पहुंचा स्क्वाड हाउस की छत के ऊपर। वैसे इस गाड़ी पे भी पूरा एक स्क्वाड था। ये एक बंदा आया, ये
मैं 1 HP हो गया था। ये दूसरा बंदा आया नीचे से। वैसे भाई लोग, एक बंदा रोटेशन ले रहा था, हमारे भाई ने उसको पकड़े। वैसे सामने को और बंदा नजर आया था, इसके मुंह पर बम फेंका, बंदा ब्लास्ट। और बंदे को पकड़ने के बाद मैंने फेंका चिमनी ताकि ये बंदा खत्म हो जाए। इसका एक और बंदा था, गजब सीन। हमारे भाई को पकड़ा इसने। ये सामने से टेलीपोर्टर बना रहा है क्या? ये खड़े होके टेलीपोर्ट बना रहा था। उचक उचक के बंदा स्प्रे मार रहा था, खत्म। सो फाइनली ये दूसरा स्क्वाड खत्म। यहाँ से आगे जाएंगे। वैसे भैयो, डिवाइस ने मेन ट्रप से लेकर यहाँ तक, मतलब लास्ट सर्कल तक, अपने FPS को मेंटेन करके रखा हुआ है। वैसे मैं पहुँच गया मेन जोन के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहीं कहीं पे सर्कल बनना चाहिए। सो हमारे भाई ने बताए, हमारे सीधे हाथ की तरफ एक बंदा गाड़ी लेकर घूम रहा है, सामने कहीं पर एक और बंदा लेटा पड़ा है, और ये नीचे भी बंदे हैं। वैसे इस घर पर अलग मसला, बंदे साले बमबाजी कर रहे हैं। ये रहा गाड़ी वाला बंदा, ये डैमेज हुआ तो बंदे को डैमेज करके। मैं इस घर पर ताका झाकी कर रहा था, ये ऊपर वाली रिस से एक बंदा आया, गजब सीन। कुछ बंदे पीछे भी हैं, टेलीपोर्टर बनाओ। यहाँ पर टेलीपोर्ट वाला पोर्टल तो नहीं बना, लेकिन हमारी पेटी जरूर बन गई। सो ओको F6 5G की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर अच्छी खासी है। वैसे ये डिवाइस BGMI के अगले अपडेट पर 90 FPS या फिर 120 FPS सपोर्ट कर लेगा। तो ये कुछ कहानी थी पोको F6 5G के अंदर गेमिंग की। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।